हम अक्सर बाहर के वातावरण में होने वाले एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने घर और ऑफिस के अंदर के पोल्यूशन के बारे में सोचा है? दिन के 24 घंटे में से हम लगभग 20 से 22 घंटे अपने घर, ऑफिस या फिर कार में बिताते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इन बंद जगहों में बाहर के वातावरण से ज्यादा पोल्यूशन होता है। इसको इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज की माने तो ये आउटडोर यानी कि बाहर के एयर पोल्यूशन से 10 गुना से भी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। एक्चुअली बंद कमरों में प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स या केमिकल्स धीरे धीरे बिल्डअप होने लगते हैं और इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है। हम अपने डेली रूटीन में भी बहुत बार ये महसूस करते हैं कि बिना वजह हमें आंखों में जलन, गले में खराश या कॉन्स्टेंट हेडेक होता है, और ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के, और लॉन्ग टर्म में ये हमें एस्थमा, हृदय रोग या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी दे सकते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन चौथा सबसे बड़ा कारण हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग केमिकल्स हैं। मार्केट में मिलने वाले इन क्लीनिंग केमिकल्स में 150 से भी ज्यादा अलग अलग हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल्स के एक्सपोजर से आपको इतना नुकसान हो सकता है जितना नुकसान हर दिन लगभग 20 सिगरेट पीने से होता है। बट आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? हम अपनी आदत बदल सकते हैं। इससे बचने के लिए और अपने साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप नेचुरल नॉन टॉक्सिक क्लीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में ये क्लीनर्स काफी आसानी से अवेलेबल है, और अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर में भी बड़ी ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमें लाइक और फॉलो कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये जानकारी शेयर कीजिए। और अगर आपको घर पर इन क्लीनर्स को बनाने के प्रोसेस के बारे में और जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।